माननीय न्यायमूर्ति श्री लोहाटी जी, आदरणीय न्यायमूर्ति श्री कपूर साहब, मंच पर आसीन विद्वान जन और ज्योतिष के वर्तमान और भावी बड़े विद्वान श्रोतागण, मुझसे आज कम से कम ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं कोई हंसी की बात हल्की फुल्की कहूंगा। इतना भारी भरकम विषय मुझे बोलने के लिए दे दिया, पता नहीं मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। कोई गर्दन ही नहीं हिला रहा कि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है यार। चलो ठीक है, तसल्ली है। भ्रष्टाचार के बारे में जितनी बातें और सटीक बातें माननीय श्री लोहाटी जी ने, न्यायाधीश महोदय ने बता दी, उन न्यायमूर्ति के सामने ये अमूर्ति भला क्या बोलेगा। लेकिन तीन बातें बड़ी पते की बताएगी, अशिक्षा, अभाव और अज्ञान भ्रष्टाचार का मूल है और इसको गीता में भगवान कृष्ण ने बता दिया था, हमने नहीं समझा, हम क्या करें, इसमें हमारी गलती। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, इस भ्रष्टाचार की जड़ ऊर्ध्वमूल है, भ्रष्टाचार का पेड़ इसकी जड़ ऊपर है, टहनियां नीचे है और ये अव्यय है, ये कभी खत्म नहीं होता। अब पता नहीं कैसे खत्म होगा, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए वही चिड़िया वाली। जब तक वो कोशिश हम नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार के यज्ञ में आहुति, समाप्ति के यज्ञ में हम आहुति नहीं दे सकते। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर क्या है कि हम अली, मौला, मौलवी, अवतार, पैगंबर का इंतजार करते रहते हैं। यमुना को गंदी किया द्वापर के लोगों ने, उस गंदी यमुना में जहर पैदा हो गया, काली नाग रूपी भ्रष्टाचार पैदा हो गया, उसे दूर करने के लिए कृष्ण की गेंद गिरने का इंतजार करते रहे, ब्रजवासियों ने कोई कोशिश नहीं की। तो कोशिश तो भाई आम आदमी को करनी पड़ती है, माफ कीजिए आजकल राजनीति में मफलर में पहन के नहीं आया हूं आज, तो सर्दी नहीं है ना, तो आम जनता शब्द इस्तेमाल करता हूं। तो आम जनता का काम है किसी भी कठिन से कठिन काम को दूर करने के लिए संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, संकल्प शक्ति तो है ही नहीं। तो यदि हम अपने अंदर इच्छा पैदा कर लेंगे और शक्ति पैदा कर लेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी ये भ्रष्टाचार का वृक्ष कम से कम बौना छोटा तो जरूर हो जाएगा। अब जो विषय मुझे दिया, भाई मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, एक बार एक अंग्रेज आदमी पंजाब में आया, उसने उससे अंग्रेजी में पूछा, भाई ये फला जगह किधर है, तो गांव के स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का उसने कहना शुरू कर दिया कि काउ इज ए फोर फुटेड एनिमल, और पूरा काउ का ऐसे सुना दिया। उसका साथी बोला, यार तू तो बड़ी बढ़िया अंग्रेजी बोला, वो कह के चला गया कुछ बेचारा अंग्रेज। उसने कहा, अभी तो काउ का ऐसे ही सुनाया था, सिक लीव तो सुना दी होती तो पता नहीं कहाँ चला जाता। तो भैया मैं तो काउ का ऐसे जानता हूँ, ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ इसलिए ज्योतिष ही बोलूंगा, और वही विषय इन्होंने मुझे दिया। मुझे जहां तक याद पड़ता है 14 अगस्त की रात को 00 आवर्स पर भारत की स्वतंत्रता के एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे और उससे थोड़ी देर पहले एक और जुड़वा भाई हिंदुस्तान का, उसकी स्वतंत्रता का चार्ट बनता है। दोनों का लग्न एक ही है। ज्योतिष का पहला सिद्धांत है कि जुड़वा बच्चों का भविष्य कैसे बताया जाए। जुड़वा केस जब आते हैं आप लोगों के सामने तो एक जुड़वा की शादी हो जाती है, दूसरा जुड़वा जनानी का इंतजार करते करते इस स्वर्ग से धार जाता है। एक की नौकरी लग जाती है बड़ी अच्छी, एक चपरासी गिरी करता रहता है। अब बताइए कहां पेच है भाई, जब एक ही कुंडली है, 12 खानों में 9 के 9 ग्रह उसी तरीके के बैठे हुए हैं, तो कहां से ये बारीकी और कहां से ये पेच पैदा होता है। तो ज्योतिष का सिद्धांत है कि ऐसे केस में जो ऊपर की सुपरफिशियल कुंडली है, जो 1.5-2 घंटे करीब एक जगह पर एक होराइजन पर रहती है, उसी की माइन्यूटेस्ट फॉर्म को ढूंढिए और उसका नाम है घटी लग्न।
एक घड़ी तक रहता है, 24 मिनट का लग्न होता है। उससे भी यदि काम ना चले, वो भी दोनों के सिमिलर आ जाएं, अपने जुड़वा देशों के, वो दोनों भी सिमिलर है, जन्म लग्न भी सिमिलर है, घटी लग्न भी सेम है, तो विघटी लग्न पर आ जाइए। विघटी लग्न पल लग्न होता है जो लगभग 2 मिनट के करीब 5 पल का होता है, 5-5 मिनट में वो लग्न बदलता है। तो उस स्थिति को देखने के बाद आपको निर्णय हो जाएगा कि इन दोनों जुड़वा बच्चों का भविष्य, सारे ग्रह स्थिति, सब ग्रह योग, राजयोग और हिंता के योग एक जैसे होते हुए भी कैसे अलग अलग इनका फल हो रहा है और जिंदगी में ये कैसे अलग अलग तरीके का फल भोग रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ प्रोजेक्टर तो है नहीं, आप लोग तो विद्वान आदमी, आपको तो पता है भैया वृष लग्न की कुंडली तो स्वतंत्रता के समय, और वृष लग्न में ही पड़ोसी देश पैदा हुआ था, वृष लग्न में ही अपना ये वर्तमान देश पैदा हुआ था। घटी लग्न को यदि देखेंगे तो हिंदुस्तान का घटी लग्न मिथुन है और पाकिस्तान का घटी लग्न वृष है। सबसे पहले कुंडली विश्लेषण की अपनी पद्धति को मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले पंचांग को देखिए, जो 5 अंग है, तिथि वार नक्षत्र योग करण। अब इसमें यदि आप देखते हैं तो भाई पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा था उस दिन, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा था 14 अगस्त की रात को, 15 अगस्त 1947 को, और पुष्य नक्षत्र का बड़ा मोटा सा फल है कि यदि उस लग्न में नक्षत्र पड़े या चंद्रमा में नक्षत्र हो तो या तो लग्न में नक्षत्र हो तो पिताजी से दूर रहता है बच्चा, और ये चंद्रमा का नक्षत्र हो तो मन से पिता से दूर रहता है। लग्न में पुष्य नक्षत्र हो तन से दूर, चंद्रमा में, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो तो मन से दूर। तो भाई देश का पिता कौन है मुझे तो मालूम नहीं, आप लोगों को शायद मालूम होगा, आप लोग विद्वान आदमी है। राष्ट्रपिता एक नाम का एक शब्द होता है, हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है, बराबर वाले देश में बहुत प्रचलित है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस घड़ी में देश पैदा हुआ, पैदा होने के थोड़े समय के बाद ही पिता से दूरी हो जाएगी। अब पिता से वियोग कैसे होगा, कोई अलग घर थोड़े बंटवाएगा हिंदुस्तान। तो जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हैं वो राष्ट्रपिता का सुख आपका समाप्त हो जाएगा। तो पुष्य नक्षत्र का प्रभाव तो यही आपको दिख गया। लग्न में बैठा राहु और दूसरे घर में मंगल, तो दोनों ही देशों में समानता ये रहेगी। दूसरा घर है मुंह का, मुख का, और राहु दिखाता है शल्य क्रिया को, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। बीच बीच में आप लोगों को तो पता ही है मेरी आदत है, वो आदत नहीं मजबूरी है। तो राहु जब लग्न में बैठेगा तो अजवृष कर्क विलग्ने रक्षति राहु समस्त पीड़ाभ्या, मेष वृष और कर्क राशि का लग्न में अकेला राहु बैठा हो तो सुरक्षा प्रदान करता है सभी कष्टों में, लेकिन कष्ट ना होने की गारंटी नहीं देता, कष्ट होंगे, कष्टों से बचाव होगा। तो राहु शरीर पर घात होगा, शरीर पर ऑपरेशन होगा, शरीर के अंग प्रत्यंगों को निकाल करके दूर करते रहना पड़ेगा और भारतवर्ष बचा रहेगा और आपका जुड़वा भाई भी बचा रहेगा, लेकिन कष्ट आएगा, विभाजन होगा। उसके तुरंत बाद विभाजन हुए, दूसरे स्थिति दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ तो मंगल मुंह का स्थान है, मुंह पर लगाया जाता है मुखोटा, और मंगल संहिता में यानी मुंडेन में जिस चीज का कारक है वो यदि आप लोगों को बताऊं तो हंसना मत भाई, एक तो नकली ज्योतिषी, भ्रष्टाचारी आदमी, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इस तरीके के बंदे सामने दिखने में कुछ, वास्तव में पीछे से कुछ। अरे पुराने जमाने में नवाब राजा हुआ करते थे, आजादी से पहले भी वो भी सब कुछ किया करते थे, हरम में पता नहीं कितनी रानियां होती थी, जुआ तक खेला जाता था, लेकिन कभी किसी के बारे में इस तरीके की बातें नहीं सुनते, वो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम तो भाई, इत
दुनिया से नहीं डरेंगे हम तो। लेकिन 1947 के बाद जो स्थिति हुई, खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे लेकिन प्यार जरूर करेंगे, बदमाशी जरूर करेंगे। तो इसलिए खोटा और मुखोटा ये दो शब्द प्रभावी हो गए मंगल की वजह से दूसरे हाउस में बैठने से, कि खोटापन रहेगा लेकिन ऊपर से मुखोटा रहेगा। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष आपके सामने है भाई, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पहुंचे हुए सीधे परमात्मा का संपर्क कराने वाले, डायरेक्ट हॉटलाइन पर भगवान से बात करने वाले लोग पता नहीं कहां चले गए आजकल, थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। नकली ज्योतिषी कहा, इसलिए नकली ज्योतिषी प्रभावी होंगे, नकली सलाहकार प्रभावी होंगे, जालसाजी करने वाले प्रभावी होंगे। तो मंगल और राहु का ये इफेक्ट है। तीसरे हाउस को देखें तो छोटे भाई का हाउस है या भाई का हाउस है। और ज्योतिष का पहला सिद्धांत है कि जिस हाउस में जो हाउस ओवर क्राउडेड हो, यहां 60 की कैपेसिटी है भैया, 80 आदमी आ जाए थोड़ी परेशानी होगी, 100 आदमी आ जाते तो और परेशानी हो जाती है, और 200 आदमी आ जाते तो भैया भगदड़ मच जाती, स्थिति खराब हो जाती। ठीक वही स्थिति होती जैसे बहुत ज्यादा खा लेने पर शरीर की स्थिति हो जाती है। तो तीसरा हाउस ओवर क्राउडेड है, कौन कौन बैठा हुआ है वहां आप लोग जरा याद करिए, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है, शायद बृहस्पति नहीं है, चार ग्रह है। ओवर क्राउडेड होने की वजह से तो वो हाउस इम्बेलेंस्ड हो गया। तो तीसरा जो आपका भाई है जुड़वा हिंदुस्तान का और दूसरे देश का जो भाई है, उन दोनों भाइयों में आपस में तकरारता जिंदगी बना रहेगा, बड़ी शिद्दत के साथ दुश्मनी निभाएंगे। सुनिए अभी अभी कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा आपको। सातवें घर में बैठ गया केतु, जब लग्न में राहु है तो सातवें केतु, तो देश के शासक यानी वो देश हुआ वो उसका कंट्रोलर हुआ। भाई अभी सभी लोग शादीशुदा आदमी हैं, आप लोग जानते हैं कि आदमी को कौन कंट्रोल करता है। तो भाई सेवंथ हाउस का कंट्रोलर हुआ ना लग्न उसका देश का, तो सेवंथ हाउस में बैठा केतु, और सातवें घर में केतु बैठ करके या तो अविवाहित रखता है या ऐसी शुभ घड़ी आ जाती है जीवन में, ऐसी अच्छी ग्रह दशा शुरू हो जाती है कि जीवन काल में ही जीवन साथी छोड़कर चला जाता है, सुकून की जिंदगी हमें दे जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि देश का शासक वही लंबे समय तक शासन कर पाएगा जिसकी जिंदगी में ऑपोजिट सेक्स की दखलंदाजी लीगली ओपनली प्रकट तौर पर नहीं होगी। शुरू से लेकर के आखिर तक देख लीजिए, जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया इस हिंदुस्तान पर, ये बात मैंने जनाब से सीख ली कि भाई नाम नहीं लेना चाहिए, नाम में क्या रखा है। तो देखो, एक की ससुराल सीताराम बाजार दिल्ली में थी, टीबी का इलाज नहीं होता था उस जमाने में, नैनीताल में प्लेनेट को क्या कहते हैं वो प्लेनेटोरियम बनाए गए थे, वहां पर जाकर उनका बेचारी का इंतकाल हो गया था, वो बिना बिना बेटर हाफ के रहे जिंदगी भर। उसके बाद एक और लंबे समय तक शासन किया, उनके बेटर हाफ पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसके बाद कुछ और समय तक किसी ने शासन किया, बीच में आते जाते रहे थोड़े थोड़े टाइम के लिए फिलर की तरह, जैसे बीच में न्यूज चैनल में बीच बीच में फिलर्स आ जाते हैं, तो उस तरीके से बीच बीच में आते रहे। लेकिन फिर एक लंबे समय तक 4-5 साल तक शासन किया, तो भाई मैं घोषित करता हूं कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। दरियागंज में कही थी ये बात मैंने, खुद सुना था भाषण,
वरुण गांधी तभी पैदा हुआ था, एम्स में लाइट जला करके फंक्शन मनाया जा रहा था और वो वहां भाषण दे रहे थे। मैं तब कुवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, तो घोषित कुवारा इसलिए मैंने कहा। अब प्रकट तौर पर खोटा और मुखोटा बात मैं पहले ही कह चुका हूं आप लोगों को। मैंने वायदा किया था मैं हंसाऊंगा नहीं आप लोगों को, भैया मैं बिल्कुल सीरियस बात करता हूं और टू द पॉइंट। अब इसके अलावा मंगल राहु की बात तो ये हो गई। अब राहु लग्न में बैठ करके, जब लग्न में राहु बैठ जाता है तो संहिता ये कहती है कि दुर्दम्य लालसा शासन करने की जिसके अंदर हो, यानी ऐसे लोग परेशान करते हैं उस देश को जिनके अंदर जैसे तैसे वो क्या कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक शासन पाने की अदम्य लालसा हो, वो लोग सदा उस देश को परेशान करेंगे, देश उनसे परेशान रहेगा। देश कौन है? देशवासी। तो देशवासी उनसे परेशान रहेंगे। तो अदम्य लालसा, इसके साथ साथ शनि और शुक्र दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। ज्योतिष का एक बड़ा मोटा सा सिद्धांत है कि शनि शुक्र लग्न में कुंडली में साथ साथ बैठे हुए हों तो आदमी के या औरत के कुछ छुपे हुए ताल्लुकात हुआ करते हैं, और ये दोनों नवांश में भी साथ साथ बैठे हुए हों तो 100% वो क्या कहते हैं यार, आजकल वो बड़ी बड़ी साइट चली हुई है, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो अनाड़ी आदमी हूं, वो पोर्न साइट क्या कहते हैं, वो पोर्न साइट, कोई पॉपकॉर्न साइट, पता नहीं कैसी साइट चली हुई है कुछ। आजकल बड़ा वो विवाद और बड़े बड़े वो आंदोलन करते हैं कि वो ट्रांसजेंडर और क्या कहते हैं वो, अरे उसको क्या कहते हैं यार, वो होमो और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मैं ऐसे सभ्यता वाले शब्द आप लोगों के सामने प्रयोग नहीं करना चाहता। तो भाई वो सब रिलेशंस होते हैं, इलीगल इलिसिट रिलेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरा संबंध, कोई ना कोई गुप्त बात, कोई ना कोई गहरी कहानी, कोई ना कोई दास्तां उनकी रहा करती है। तो शनि और शुक्र थर्ड हाउस में बैठा हुआ एक साथ, नवांश में भी दोनों मकर राशि में एक साथ बैठ गए, और तो त्रिंशांश में भी जाकर के एक ही राशि में। तो भाई इस देश को परेशान कौन करेगा? एक तो वही करेंगे जिनको अभी अभी जो है थर्ड जेंडर की शिक्षा दी है, वो संज्ञा दी है अभी अभी। दूसरे ये शब्द भी परेशान करेगा, जो इस शब्द को बोलेगा उसी के खिलाफ सरकार हो जाएगी। एक बार चौधरी चरण सिंह ने कह दिया था जब गृह मंत्री थे कि सरकार तो नपुंसक है, पत्ता कट गया था। उसके बाद अभी रिसेंटली इसी चुनाव के दौरान किसी ने नपुंसक किसी को कहा, उसका बड़ा बढ़िया जवाब लोगों ने दिया, आप लोगों को मैं राजनीति में नहीं घसीटना चाहता। ऐसी स्थिति में और जो सेक्स स्कैंडल करने वाले और सेक्स को अपराध नहीं, विलासिता नहीं, जिसको जीवन का लक्ष्य मानने वाले लोग हैं, वो लोग इस देश को परेशान करेंगे। तो भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है भाई, इन्हीं लोगों की वजह से। भ्रष्टाचार का कारण यही होता है, लोभ, लालच और आत्मानुशासन की कमी, अपने अंदर अनुशासन न होना, तभी तो ये सब बातें आती है। तो राहु की वजह से ये बातें आती है। उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो भाग्येश और राजेश शनि दोनों वृष लग्न है ना भाई, मकर और कुंभ नौवें और दसवें स्थान में बैठेंगे तो उनका स्थान वाला शनि बैठ करके तीसरे घर में बैठ गया शत्रुओं के साथ। शनि शुक्र साथ बैठ करके और अच्छी बात तो पैदा करते हैं, लेकिन ये खराब बात पैदा करते हैं जो अभी मैंने सेक्स से संबंधित बताई। लेकिन सूर्य बुध बृहस्पति, सूर्य बुध और सूर्य बुध और चंद्रमा वहां साथ होने की वजह से इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग मुखर रहेंगे, इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग ऊपर आएंगे और इस प्रकार के स्कैंडल्स होते जाएंगे। अखबार में पढ़ा होगा ना कर्नाटक के फला फला कहीं कहीं उसमें क्लब में पकड़े गए, वो लोकसभा राज्यसभा में भाई सेशन चल रहा था, वो क्या कहते हैं वो टीवी नहीं सॉरी वो आजकल वो मोबाइल भी तो कंप्यूटर जैसे ही हो गए ना भाई, टैबलेट पर जो है वो टैबलेट खा रहे थे, है ना, सीन देख रहे थे। तो देखिए ऐसे ऐसी बातें होती है, तो ये चीजें मुखर रहेंगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई सभी आदमियों को
शादी करनी चाहिए और अपने अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए, ताकि कम से कम हम सरकार में तो ना आए। परिवार स्थान में गुलिक बैठा हुआ है, परिवार स्थान में सेकंड हाउस ही परिवार स्थान है, उसमें गुलिक बैठा हुआ है, गुलिक के साथ मंगल है, मंगल ही उसका नवांच लॉर्ड भी है, मंगल ही उसका नवांच लॉर्ड है, तो नवांच लॉर्ड भी वहीं बैठा हुआ है और जो जो राशि लॉर्ड है वो अस्त है, तो परिवार में बिखराव होगा। बिखराव का मतलब क्या होगा, कोई भाई बहन तो यहाँ है नहीं हिंदुस्तान में जो बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा होगा, तो बंटवारा कैसे होगा। सबसे ऊपर बैठा राहु, शल्य क्रिया सबसे पहले वही होती है शुरुआत में। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय शनि की दशा थी और लग्न में लग्न सिर है। यदि आप लोग ज्योतिष जानते ही हैं, यदि अरे गलती हो गई माफ कीजिएगा, आप तो जानते ही हैं, मैं मेरे लिए यदि है तो भाई आप लोग जानते ही अच्छे प्रकार से कि लग्न का जो हाउस है वो सिर का यहाँ का हिस्सा है, और उसमें पहला देशकांड हो तो लग्न में सिर है, दूसरा देशकांड हो तो आग यहां से गिनना है, और तीसरा देशकांड हो तो इस नाभि से नीचे वाले हिस्से से गिनती शुरू करनी है। तो यहाँ जो भी देशकांड है भाई, तो कम यानी सिर आ गया उसमें, तो सबसे पहले सिर में पीड़ा शुरू होती है। देश के पैदा होते ही सिर में पीड़ा शुरू होती है। कहां सिर का प्रदेश है ये आप लोग देख लीजिए, वहीं पर पीड़ा शुरू हुई थी 1948 में। हमने इतिहास के पुस्तकों में पढ़ा हुआ है कि कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिक वहां आ गए थे, और उसके बाद दूसरे हाउस में राहु मंगल और गुलिक बैठा हुआ है तो दूसरी आंख नष्ट हो जाती है। अब भारत के नक्शे को अपने दिमाग में रख करके एक आंख का अंदाजा लगाइए कि कौन सी आंख नष्ट होती है, तो भैया दाई आंख नष्ट होती है, इधर वाली। उसके लिए एक वर्ड है आजकल बड़ा प्रचलित है, POK। अब POK भैया वो आंख वाले प्रदेश में पड़ता है, तो POK तो OK हो गया, चला गया, छुड़ा लो ना। तीसरा हाउस भैया जब कम यहां से विभाजन शुरू करते हैं तो कंधे का प्रदेश आता है। यदि आप हिंदुस्तान के नक्शे को देखेंगे तो उसके बाएं हाथ ऐसे लंबे हैं और दायां हाथ इस तरीके से है, तो ये हिस्सा कहाँ आता है भाई, ये हिस्सा तीसरे हाउस में आता है, और तीसरे हाउस में हिंदुस्तान के नक्शे में यहां कौन सा प्रदेश पड़ता है देख लीजिए। बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ हो तो मुझे बताइए, हम अभी बता देते हैं, आपका इतिहास ज्ञान सीधा कर देते हैं। कहां हुआ बंटवारा, गर्दन तो हिला दी, बताइए। पंजाब डिवाइड हुआ, पंजाब से हिमाचल प्रदेश बना, हरियाणा बना बाद में, उसके बाद उससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो आजकल बड़ी सुर्खियों में है वो प्रदेश भाई, मॉडल राष्ट्र का मॉडल नहीं, सॉरी गुजरात का मॉडल। गुजरात में बंटवारा हुआ था क्या, अरे कहो भैया कहे नहीं बोलते हो, बॉम्बे था ना, बंटवारा हो गया ना। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए केतु पर, सातवां स्थान टांग का है, कौन सी टांग, दाई टांग। दाई टांग कहां आई, एक प्रदेश है नारियल का, वहां लोग आजकल बड़े बड़े वो बनाते हैं, वो समुद्र के किनारे रिसोर्ट बनाते हैं और अब मकान भी खरीदते हैं, वहां बंगलो बनाते हैं, छोटा सा प्रदेश है, और एजुकेशन के हिसाब से वहां का शिक्षा का दर सर्वोच्च है हिंदुस्तान में। अब मुझे नहीं पता कौन सा प्रदेश है भैया, बता दीजिए, मेरा तो भूगोल का ज्ञान बहुत शून्य है। करेला नहीं, केरल, केरल, केरल प्रदेश। ये अंग्रेजी की बड़ी खतरनाक स्थिति है, मुझे अच्छे खासे मर्द को औरत बना दिया था, मिश्रा मिश्रा मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा डॉक्टर मिश्रा, अरे भैया मैं अब कम से कम केरल को तो मिसेज केरला मत बनाइए यार। केरल, केरल में केरल बंटवारा होके कहां से आया, 1956 में बंटवारा हुआ था,
1956 ही वो स्थान है कि फिर सिर पे, क्योंकि केतु वहीं सामने स्थान सातवें स्थान बैठा, उसके ठीक सामने केतु राहु ऊपर बैठा हुआ है, तो उसी दौरान उसी पीरियड के आसपास सिद्ध पर के प्रदेश में फिर बंटवारा हुआ, सिद्ध के प्रदेश पर बंटवारा हुआ, तो कहां हुआ जरा बताइए। एक देश है जिसका संस्कृत में नाम है त्रिविष्टप, और त्रिविष्टप का पर्यायवाची है स्वर्ग, और त्रिविष्टप का तद्भव रूप क्या होगा ये आप लोग बता दीजिए। भैया बड़े दलाई लामा की खबर सुनते हैं लेकिन बात नहीं जानते हैं, प्रदेश का नाम नहीं समझते हैं। अब ऐसे कहे हमको बार बार जो है क्रम में खास राजनीतिज्ञ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कौन सा देश है, प्रदेश है भाई? तिब्बत। हो अच्छा, देखो लड़की कितनी होशियार है, तिब्बत। तो तिब्बत कहां गया? स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्रता से पहले की बात नहीं कर रहा हूं। पहले तो बर्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पता नहीं क्या क्या चले गए, लेकिन मुझे आप बताइए तिब्बत गया ना कहीं? 56, 57, 58 की शायद बात थी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। मेरी जरा हिस्ट्री तो वीक है भाई, मैं तो खाली युद्ध जानता हूं, देख लेना आप कहीं कंफर्म कर लेना। वहां फिर बंटवारा हो गया। अब उसके बाद घूम करके फिर साइकिल आता है। अब जो साइकिल आएगा वो यहां का आएगा, छाती का सेकंड साइकिल, 12 साल का साइकिल है। 47 में 12 साल जोड़ दो, 49 या 59, पक्का? चलो मान लिया, आपकी बात बड़ी कर दी, 59। तो 59 तक का तो ये साइकिल हो गया, 59 में 12 साल जोड़ेंगे तो क्या होगा? रियली 71। तो 51 से लेकर के और 71 तक का जो दौर था, उस दौर को यदि आप देखेंगे तो उस दौर में आघात और प्रत्याघात, भाई एक बार तो बीमारी ऐसी आई कि ऑपरेशन करके शरीर का हिस्सा अलग कर दिया, और एक बार बीमारी ऐसी आई कि अस्पताल में भर्ती हो गए और दवाई खाई, नर्सों के चेहरे देखे, रोज ब्लड प्रेशर पाया, बड़ी आराम से सिस्टर से देख लीजिए ब्लड प्रेशर हमारा, और उसके बाद घर वापस आ गए। तो 59 से लेकर के 71 तक का वो दौर है जिसमें आलू चीनी भाई भाई, चावल लाई हिंदुस्तान आई, सब कुछ खबर ले गई, और 1962 में फिर हमला कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना? और उसके बाद फिर 65 में फिर हो गया, फिर 71 में हो गया। तो ये युद्ध का दौर था, ये बीमार होने का दौर था देश का। अब 1971 में फिर 12 साल जोड़ दीजिए, भैया हिसाब मेरा कमजोर है, फटाफट बताते रहो। 83, अब 71 से 83 का दौर देख लीजिए। इसमें फिर उपद्रव हुए, क्योंकि उपद्रव तो होना ही है। जिस दिन जनाब पैदा हुए थे अपने भारतवर्ष महाराज मिस्टर इंडिया, उस दिन उत्पात योग था, आनंद आदि योग एक होते हैं जो वार और नक्षत्र के उससे बनते हैं, वो आनंद आदि योग में उत्पात योग था। तो भैया उत्पात तो हमारी कर्म पत्री जन्म पत्री में लिखा ही दिया है, तो उत्पात तो होगा ही। तो वो उत्पात समझिए कैसे हुआ, 1971 के बाद 1983 तक कहां कहां उत्पात हुआ। अरे क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। उसके बाद हालात ये हो गई कि ऐसा भेजना चाहिए था या वैसे भेजना चाहिए था, खैर भेज दिया। बीच में विनोबा भावे ने भी एक स्लोगन मार दिया था, नहीं याद आ रहा आप लोगों को, आपातकाल अनुशासन पर्व है, आपातकाल अनुशासन पर्व है, डीटीसी की पुस्तक पर भी लिखा होता था, लोगों ने कविताएं लिखी इसके ऊपर। आपातकाल के निंदक भी बहुत थे, आपातकाल के प्रशंसक भी बहुत थे, और मुझे तो दिक्कत तब भी थी और आज भी यही दिक्कत है कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते वक्त ये जितने सरकारी महकमे हैं सब बहक जाते हैं। अब कोई इनसे पूछे भैया आपातकाल कहां से शब्द आया, यार आपातकाल होता है यार,
तुलसीदास जब की तक्की कह गए आपत्काल परखिए चारी धीरा धर्म मित्र नारी, नहीं ना जानते हैं इसको पढ़े लिखे लोग सरकारी हिंदी कहते हैं आपातकाल। तो आपातकाल शब्द है नहीं, गलत है, आपत्काल शब्द होता है। आपत शब्द संस्कृत में आपदा का है, आपत आपदा आपदा बहुवचन में आपदा शब्द बनता है जिसको हिंदी में आपदा कहने लगे। तो आपत शब्द सिंगुलर नंबर है एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो आपत्काल उसमें त हलंत है, जब उसके आगे काल के साथ उसका समास करेंगे तो आपत्काल शब्द बनेगा, आपातकाल नहीं बनता। तब भी दिक्कत थी आज भी दिक्कत है, क्या करेंगे, दिक्कत ही रखिए। भ्रष्टाचार से भी आपको तब भी दिक्कत थी आज भी दिक्कत है भैया, दिक्कत महसूस करते रहिए और ऐश करिए। तो आपातकाल भी बीच में आया, बड़े बड़े महानुभाव भाई कृष्ण जी की जन्मस्थली पर गए। भगवान कृष्ण कहां पैदा हुए थे, वहां जाते रहे बेचारे। उसके बाद 1971 आया, 1971 में क्या हालत बनी ये आप लोग जानते ही हैं। नहीं, 1983 में क्या हालत बनी कि रात को पंजाब में बसों के आगे पीछे पुलिस के सिपाही या वो हथियारबंद वो चलते रक्षाकर्मी, और 10-10 8-8 बसों को इकट्ठी करके निकाला जाता था। 1984 में क्या हुआ ये आप जानते हैं, उसके बाद फिर 12 वर्ष का इतिहास ले लीजिए। 1983 में मेहरबानी करके जरा 12 साल जोड़ के मुझे फटाफट बताइए कितने होते हैं, 95 होते हैं या 2005 होते हैं, 95। अब 1983 से 1995 तक की स्थिति में जरा देखिए, जरा कुछ मुलाहिजा फरमाइए क्या क्या हुआ। फिर वही क्या क्या न सहे हमने से तुम, 1983 से 1995 तक फिर उपद्रव हुआ, फिर उत्पात हुआ। और उस समय शनि और राहु, शनि और बृहस्पति की स्थिति वो होती कि सीधे सीधे कहता है कि धार्मिक प्रदेश जहां पर है, जो हमारे पुराने अवतारों से जिनका संबंध है, उन देश और प्रदेशों में उपद्रव होगा, और वो उपद्रव वर्षों तक पूरे देश को उद्वेलित करता रहेगा। यदि आप लोगों को याद नहीं है तो याद करिए 1990 के मंडल को, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुए कमंडल को, और उसका खामियाजा भुगत रहे आप लोगों को। खुद अपनी परेशानियों को देखिए, समझिए और जानबूझ करके उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो मंडल कमंडल, हम गलत तो नहीं बोल रहे ना, अरे बोल दो ना हां कि ना, गलत तो नहीं ना बोल रहे ना, कहीं गलत बोले तो हमारा कान पकड़ लेना भाई। तो यह स्थिति हुई, कहां से उठा करके पता नहीं एक रिपोर्ट उठा करके लागू कर निकाल के बाहर रख, कहां से जो एक नाम वो अलादीन का चिराग निकाल के लाए। तो क्लियर कट लिखा हुआ है वराहमिहिर की व्रत संहिता में, उस समय जो गृह स्थिति थी और जो दशा थी कि कृष्ण का प्रदेश और राम का प्रदेश दो ही तो मुख्य अवतार है हिंदुस्तान में, बाकियों को अवतार कौन मानता है बताइए। सारा का सारा झगड़ा ही राम और कृष्ण का है, तो राम के प्रदेश में और कृष्ण के प्रदेश में उपद्रव होगा और उसका प्रभाव 10-15 साल तक रहेगा। अब 1983 में 12 साल जोड़े थे ना भाई, 2005 तक आ गई, इसी 95 तक आ गए, तो 95 तक ये स्थिति हो गई ना। क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे नारे लगे थे, कैसे कैसे हमारे कन्या लग्न के दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर न जाने क्या क्या कहा था, बड़ा खेद प्रकट किया था, किस प्रकार से मुलायम दिखने वाले किस प्रकार के सिंह ने कैसे सिंह गर्जना करनी बंद कर दी थी, सब आपको याद है। नहीं याद है तो भैया इतिहास की किताब में झांक लो, उपद्रव होगा ना, हुआ कि नहीं उत्पात। अब 95 में जरा 12 साल और जोड़ दीजिए और हमका फारिग करिए। नहीं नहीं, फिर तो अभी एक 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 सेशन और चलेगा। 95 में 12 साल जोड़ने पर खाली 2000 साथी होते हैं क्या यार। मुझे बीच में याद आया, एक टीचर ने, एक बच्चे ने घर पे आके बताया कि ये टीचर बहुत झूठ बोलती है, मैं कल से पढ़ नहीं जाऊंगा। बोला क्यों, बोला परसों कह रही थी 7 और 3 मिलकर के 10 होते हैं और कल कह रही थी 8 और 2 10 होते हैं, ये एक जगह पे टिकती नहीं। अब बताइए क्या करें।
तो 2007 की स्थिति में आ जाओ भैया। अब 2007 तक फिर परिवर्तन था, फिर उत्पाद था। कौन सा उत्पाद था याद करो। अरे भाई कहीं पर हम गले मिल रहे थे, वो तो धरा तो उधर चली गई 2002 में, वो तो 2007 हाँ गोधरा इसी में आएगा भाई 95 के बाद। तो गाय का चक्कर चला, गो माता परेशान करने लगी, गो माता के लिए आंदोलन हुए, फिर गो को धरने वाले स्थान पर दिक्कतें हुई, फिर और बहुत सारी परेशानियां हुई, बड़े दाग लगे, पूरे विश्व के थानेदार ने कह दिया हम वीजा नहीं देंगे। कहा था क्या? उसके बाद भाई एक जमाना इसी बीच में वो भी था 1995 से 2007 के बीच में, कि जिस समय समझौता यात्रा और गले मिल रहे थे लोग कि भाई जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हो, गले मिल रहे थे, लाहौर से कहां कहां तक यात्राएं निकाली जा रही थी, और उधर भैया अपनी प्यारी सी मातृभूमि के बर्फीले प्रदेश में गुरिल्ला युद्ध करने वाले लोग घुसे ही चले जा रहे थे। अरे घुसे ही चले जा रहे थे भाई, किसी को पता भी नहीं लगा, कमाल की बात है। फिर उसी का तमाशा देखिए, अभी कल परसों किसने कहा कि वो युद्ध तो एक खास किस्म के धर्म के लोगों ने जीता था। अगले दिन लिस्ट भी दिखा दी, बाद में केस भी दायर हो गए। वो कहते हैं नहीं उन्होंने जीता था, किसने कहा उन्होंने जीता था। अरे भाई किसने जीता था, जीता तो था ना यार, असली मुद्दे की बात पर नहीं आते, इधर उधर की बातें करते रहते हैं तो झगड़ा होगा। लेकिन झगड़े की जड़ कहां है? अब 2007 के बाद एक सेशन और ले लेते हैं भाई, 2007 में जरा 12 साल और जोड़ दीजिए और मुझ पर मेहरबानी करिए, 2019 आता है। तो 2019 तक फिर यही उत्पाद का दौर चलेगा। अब की बात बाएं हिस्से से विभाजन शुरू होगा, अभी तक तो दाएं हिस्से में केरल बना था, अब दाएं हिस्से की तरफ आ जाइए और बनना शुरू हो गया है। उसके बाद ऊपर अंग्रेजों के जमाने के पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहा हूं, 1947 के बाद की बात कर रहा हूं। फिर आपको पता ही है कि एक हमारा ईशान कोण है, भारतवर्ष का बड़ा पवित्र दिशा मानी जाती है जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और वहां जाते हुए हिंदुस्तान के बड़े बड़े सरकारी अफसर और बड़े कॉरपोरेट क्या कहते हैं उनको, ब्यूरोक्रेट्स भी घबराते हैं, वहां जाते ही नहीं। तो वो कौन सा प्रदेश है, कौन से प्रदेश है? तो वहां भी उन प्रदेशों में भाई अलगाव की तूती तो बोली रही है, तो वहां कहीं बंटवारा होगा, लेकिन बंटवारा कुछ इस तरीके से नहीं होगा जैसे अपने जुड़वा भाई का हुआ है 1971 में। वो दूसरे तरीके से ही बंटवारे होकर के अंदर ही अंदर चूल्हा किचन अलग कर लेंगे, फ्लोर अलग अलग कर लेंगे, भैया दिल के रहेंगे दोनों भाई एक ही घर में, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और भैया गुजरात और बंबई राष्ट्र मद्रास और तमिलनाडु, न जाने कितने कितने राज्य हटते बढ़ते चले गए, मैसूर था शायद पहले, मद्रास से जिनसे मैसूर से ये तमिलनाडु बना था, हाँ ये सब मैसूर का कुछ हिस्सा लिया था, कुछ मालाबार का लिया था, केरल तो कई हिस्सों से बना था। तो इस तरीके से भाई ये बंटवारा तो होता रहेगा, ये बंटवारा जन्म पत्री में लिखवा के लाया है अपना देश। तो 2019 तक फिर एक बंटवारे का दौर चलेगा, लेकिन वो बंटवारा झाड़ू को एक ही रखेगा, तीलियां कमरे अलग अलग हो जाएंगे, खाना पीना नफा नुकसान सबका अलग अलग, और रहना ड्राइंग रूम में एक ही जगह बैठ के टीवी देखना, बस लिविंग रूम एक, स्लीपिंग रूम अलग, बैंक अकाउंट्स अलग, बिजनेस अलग। अब यदि बराबर के भाई की तरफ देखो तो भाई वहां पर वृष लग्न की कुंडली है, माफ कीजिएगा जरा थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन ये मानेंगे थोड़े मुझे देंगे नहीं टाइम इतना, अभी घंटी बजा देंगे कह देंगे खाने का टाइम हो गया हमारा। खाने से मुझे बात याद आई, भ्रष्टाचार पर बात करनी थी ना भाई,
इसलिए बाहर मुझे चाय पकौड़े सब ऑफर किया गया था आते ही, मैंने नहीं खाया ईमानदार से बता रहा, मैंने खाली चाय और पानी पिया बस, चाय पानी से ही काम चला लिया, मैंने वो पकौड़े और बीफ केस नहीं लिया। तो वहां भैया मेष लग्न है उसका, विघटी लग्न पाकिस्तान का, मेष लग्न मंगल का लग्न है और मंगल थर्ड हाउस में बैठ गया, पराक्रम वाले हाउस में बैठ गया, और मंगल कौन है, सेनापति, तो वहां सेना का शासन रहेगा। लेकिन छोटी सी बात एक बताएं कि विभाजन वहां भी होगा, लेकिन वहां जो विभाजन होगा वो कहते मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार, तू इस पार वाला विभाजन होगा, और हमारे यहाँ वो विभाजन होगा, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, अंबुजा सीमेंट से बनी है। तो ये दोनों के विभाजन में बेसिक फर्क है ज्योतिष का। तीसरी बात समझिए, नवांश आयु और समुदाय अस्तक वर्ग आयु देखते हैं तो एक की उम्र 73 साल आती है, एक की उम्र 69 साल आती है, सॉरी 67 साल आती है, और 67 साल तो भाई अपने हिंदुस्तान को हो ही गए हैं जहां तक हमारी जानकारी है, हो गए 67, हो गए कि 67वां चल रहा है, सोच के बताओ यार, सोच के बताओ, वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। हाँ साल 67वां चल रहा है ना, अब देखिए मेजर साहब सही बात बोलते हैं, मिलिट्री के आदमी बहुत सही पॉइंट पकड़ते हैं, ब्रिगेडियर साहब, हाँ जी सॉरी सॉरी मैंने आपको डिग्रेड, वो मेरी गलती नहीं है, मैं अनाड़ी आदमी हूँ, अनाड़ी आदमी हूँ। एक बार एक जज साहब ने, अरे सुनो भाई, एक बार एक जज साहब ने एक बुढ़िया के बेटे को छोड़ दिया, बरी कर दिया, क्योंकि वो निरपराध था। बुढ़िया बहुत खुश हुई, गांव की बुढ़िया थी, उसने भरी अदालत में हाथ उठा करके कहा, भगवान जज साहब आपका भला करे, हमारी ये तो शुभकामना है, भगवान करे आप पटवारी हो जाओ। अरे भाई तो गांव में उस बेचारी बुढ़िया के लिए पटवारी से बड़ा अफसर कौन, वो जज साहब को बोली कि तू पटवारी हो जाओ। तो भाई माफ करना ब्रिगेडियर साहब, अच्छा माइनर है, मुझे नहीं पता भाई ये मिलिट्री, क्या छोड़िए इन बातों को, हम कहां थे और क्यों थे, 67 साल। तो 67 साल से परिवर्तन का दौर भैया एक देश में शुरू होता है, जिस देश के हम बासिंदे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है गायंत्री ये गुलिस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, उर्दू में बड़ा करामात है। किसी भी मात्रा को खा जाओ, किसी भी मात्रा को बड़ी कर दो, और को ओ कर दो यदि काफिया नहीं मिल रहा है तो, और गुलिस्ता को गुलसिता कर दो। तो भाई यही मजा लीजिए, तो ये गुलसिता हमारा, तो भाई इस गुलसिता में 67वें वर्ष से परिवर्तन शुरू होता है, और चलते चलते जो परिवर्तन भैया, हाँ और 73वें वर्ष में, 73 की हाँ 73 मैं कैलकुलेट करके लाया था आज जिंदगी में, पहले पहल में होमवर्क करके लाया था, कपूर साहब शिक्षा ली, तो 73 ईयर्स में भाई जो 2020 में पूरे होते हैं, 73 1947 में जोड़ोगे तो कितने साल में पूरे होंगे, 2020 हाँ, तो 2020 में भैया एक देश में बड़ा परिवर्तन आएगा अपने बाजू वाले पड़ोस के घर में। लेकिन 1967वें साल से यहीं से परिवर्तन आना शुरू हो गया, वो परिवर्तन फिर वही रहेगा, वो भाई ये दीवार टूटती नहीं है वाला ध्यान रखना, और वहां वही होगा कि चल उड़ जा रहे पंछी ये देश हुआ बेगाना, वहां वही तरीका रहेगा। तो भाई वो 73वें साल में 2020 में स्थिति आती है इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो परिवर्तन की बयार आती है, परिवर्तन का दौर शुरू होता है, वो 2014 से शुरू होता है, क्योंकि इसी साल में दो आषाढ़ है। जिस साल में दो आषाढ़, दो जेठ और दो सावन पड़े, मोटा सा मोटी मोटी बात बताता हूं मैं तो थंब रूल, उस साल में परिवर्तन शुरू होगा, राजनीतिक, देशज, सामाजिक, सांस्कृतिक, चाहे वो पतन से उत्थान की तरफ जाए, चाहे उत्थान से पतन की तरफ जाए, तो परिवर्तन तो शुरू हो गया। अब ये परिवर्तन किस तरीके का होगा और 2026-27 तक जाता है भाई जाकर के, क्योंकि 2047 में 100 साल होंगे इनको, उस साल में जाकर के चार ग्रहण पड़ेंगे। 2047 में चार सूर्य ग्रहण होंगे, दो सूर्य ग्रहण होना अपने आप में नॉर्मल है, दो से अधिक होना उत्पात है। उसी के आसपास ही सावन का महीना दो पड़ेंगे एक साल में, ये 1985 की बात कर रहा हूं, संबत 2085 की बात कर रहा हूं, यानी 2026 की बात कर रहा हूं। तो 2014 से 26 तक जो परिवर्तन की बयार चलती रहेगी, उसके लिए हमारे पूर्वजों की एक किताब पे लिखा हुआ था, मुझे वो पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, मुझे कई बार मैंने कोशिश भी करी कि पंचाशीत गते सहस्र युगले वर्षे गते विक्रमात्, विक्रम के 2085 साल बीत जाने पर गौरांग राज्य गते, गोरों का राज्य जाए हुए बहुत साल बीत चुके होंगे, गोरों के राज्य में लिखा हुआ किसने श्लोक, तो उस समय एक धार्मिक राजा पैदा हो और वो इस देश को सांस्कृतिक विरासत बचा करके रखेगा। तो भाई 2085 तो अभी 2072 भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो 2071 ही शुरू हुआ है। इसका मतलब धर्म मर्म की बात तो भाई मर्म की बात ही रहने दीजिए, अंदर ही रहने दीजिए। धर्म के एक बात आखिरी में ये कह देना चाहता हूं कि उपनिषद कहते हैं कि धर्म दिखावे की वस्तु नहीं है, धर्मम चर, धर्म का आचरण कर, धर्म का चोला मत ओढ़। टीका लगाने से धार्मिक नहीं होता, मंदिर में रोज घंटी बजाने से धार्मिक नहीं होता, धर्म यहां रहता है, धर्म यहां रहता है, वो दिखावे की वस्तु नहीं है, वो राजनीति की वस्तु नहीं है। इसीलिए जो सेक्युलरिज्म का अनुवाद था, वो बहुत सारे राजनीतिक भी आजकल कहते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, धर्म निरपेक्ष तो कोई व्यक्ति दुनिया में हो ही नहीं सकता, धर्म का मतलब है कर्तव्य ऑब्लिगेशन, उनके बिना आदमी कैसे जिएगा भाई, अधिकार के प्रति तो सचेत रहो, कर्तव्यों के प्रति आप बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाओ, तो भैया भ्रष्टाचार तो अपने आप ही होगा। और फिर वही बात लाता हूं, ऊर्ध्व मूलम अध: भ्रष्टाचार की गंगोत्री नीचे नहीं ऊपर है, और ऊपर से बंद करने के लिए हमें अपने सोर्सेज को ही ठीक करना पड़ेगा। घर में पूजा पाठ हुई, धूप बत्ती अगरबत्ती हवन की राख जमुना में, रोज घर में फूल पत्तियां इकट्ठी हुई जमुना में, घर का कूड़ा जमुना में, अरे ससुर शहीद तो हो हमारे घर में, हमारे देश में गर्दन कटाने वाले तो बहुत लोग हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर के सामने कूड़ा ना रहे, चुपके से खिसका देना, टॉफी और चिंगम खाकर के आप लोगों ने बहुत सारी नीचे डाल दी होगी, छिलके चिंगम यहां चिपका दी होगी। अरे भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो ऊपर से शुरू होती है, लेकिन उसका विकास आप आम आदमियों से होता है, हमारे अंदर से होता है, मेरे अंदर से, आपके अंदर से होता है। इसलिए उसको समझिए, उसके लिए संकल्प शक्ति और अपने अंदर आत्मानुशासन पैदा करिए, तो भ्रष्टाचार अपने आप मिटेगा। अरे क्या बात है, ये भ्रष्टाचार हमारे सामने कैसे टिकेगा, क्या हमारे अंदर कृष्ण नहीं है, हम किसकी लिखते रहेंगे कृष्ण को कि आना, जब जब यमुना में काली पैदा होगा तब तक तुम उसका मर्दन करने के लिए आना। तो हम तो यही कहेंगे, जब तक तुम तक ये खत पहुंचे हम चुप नहीं बैठेंगे, खत तो लिखेंगे कृष्ण को, लेकिन जब तक उनका खत उनके पास पहुंचेगा तब तक हम चुप ना बैठे, हम भी कुछ करें, हम क्रियाशील हों, हम अपने आत्मचरित्र को और अपने आत्मानुशासन को बढ़ाने का प्रयत्न करें, तो भ्रष्टाचार स्वयं ही नष्ट होगा। इतने ही शब्दों के साथ बहुत संक्षेप में, बहुत समय भी हो गया भाई, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, सायोनारा, वादा निभाऊंगा, सायोनारा।